हेलो दोस्तों, अगर आप भी एक एंड्रॉयड टीवी का यूज़ कर रहे हो कि अगर आपके पास में मी का टीवी है, रियलमी टीवी है, वन प्लस है, वीयू है या फिर किसी अदर कंपनी का एंड्रॉयड टीवी है, तो कभी ना कभी आपके सामने एक प्रॉब्लम जरूर आई होगी कि अगर आपके पास में आईफोन है तो आप उसकी स्क्रीन को मिरर नहीं कर सकते हो इतनी आसानी से। वहीं पर एंड्रॉयड के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन आईफोन के लिए नहीं है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक ऐप के बारे में, इसी ऐप की मदद से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की और अपने आईफोन की डिस्प्ले को आप मिरर कर सकते हो अपने एंड्रॉइड टीवी में इजिली। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस ऐप के बारे में और कैसे उस ऐप को यूज करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अपने टीवी के प्ले स्टोर को ओपन करना है। अब दोस्तों आपको सर्च आइकन पे जाना है और यहां पर आपको सर्च कर लेना है एपीके मिरर, इसको आप सर्च कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो सबसे फर्स्ट वाली ऐप दिखती है, इस ऐप को आपको अपने टीवी में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैंने इस ऐप को ऑलरेडी अपने टीवी में इंस्टॉल कर लिया है, आपको ध्यान रखना है कि यही ऐप आपको इंस्टॉल करना है, किसी दूसरी ऐप को आपको इंस्टॉल नहीं करना है। जब आप फर्स्ट टाइम इस ऐप को ओपन करोगे तो आपसे कुछ ये परमिशंस वगैरह मांगता है, आपको अलाउ वगैरह कर देना है। इसके बाद में आप इसकी सेटिंग में जाइए, यहाँ पर आपको सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जनरल सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एयर प्ले रेजोल्यूशन आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये मैंने 720p कर रखा है, ये बाय डिफॉल्ट 1080 रहता है, आपको 720p कर देना है। अगर आपका इंटरनेट ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप इसको 720p पर रखिए, आपको किसी भी तरह का लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो टीवी और आपका जो फ़ोन है वो सेम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, सेम वाईफाई होगा तभी ये ऐप काम करने वाला। दोस्तों पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने आईफोन की डिस्प्ले को कास्ट कर सकते हो अपने टीवी के अंदर में। इसको यूज करने के लिए आपको अपने आईफोन का नोटिफिकेशन पैनल ओपन करना है और फिर यहाँ पर आपको स्क्रीन मिररिंग का एक ऑप्शन दिखता है आपके आईफोन में, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। थोड़ी देर आपका फोन ये सर्च करेगा और आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा ए पावर सॉफ्ट मी टीवी, इसके ऊपर बस आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो मेरा फोन मेरे टीवी में कास्ट हो चुका है। अब अगर मैं कुछ भी अपने फोन में करता हूं तो वो मेरे टीवी में इजिली आपको दिख जाएगा। आप देख सकते हो कि मेरे फोन की स्क्रीन बिल्कुल यहां पर आसानी से कास्ट हो गई है। अगर मैं दोस्तों अपने फोन में किसी तरह का वीडियो या फिर फोटो वगैरह देखूंगा तो वो भी यहां पर दिख जाएगा। चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ फोटोज में दिखाई देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना फोटोज ओपन कर लिया है अपने आईफोन का। यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो है, तो सबसे पहले मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। आप देख सकते हो कि फोन में ये वीडियो मेरे प्ले हो रही है और टीवी में भी साथ ही साथ हो रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह का लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं इस वीडियो को जूम करता हूँ अपने फोन में तो ये टीवी में भी जूम हो जाती है। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर स्क्रॉल वगैरह कर रहा हूँ तो ये जो है टीवी में भी जूम हो गई है, तो ये काफी अच्छे से काम करेगा। और साउंड वगैरह भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लैग वगैरह बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर आप कुछ फुटेज वगैरह को भी देखना चाहो तो यहाँ पर सब कुछ आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो, किसी भी तरह का लैग वगैरह नहीं। आप जूम कर लो यहाँ पर फोटोज पे, बिल्कुल अच्छी आपको दिखेगी। तो आई थिंक अगर आपके पास में आईफोन है और आप उसकी डिस्प्ले को मिरर करना चाहते हो तो इस ऐप से बेहतर ऐप आपको शायद ना मिले, क्योंकि ये आईफोन और एंड्रॉयड दोनों पे काम करती है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आप अपने आईफोन की स्क्रीन को कास्ट कर सकते हो अपने एंड्रॉयड टीवी के साथ में। अगर आपको बंद करना है तो सेम आपको यहाँ पर जाके स्टॉप मीटरिंग कर देना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपका फोन और आपका टीवी सेम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। चलिए मैं दोस्तों यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हो वापस से ये ऐप ओपन हो गया है। अब अगर आपको अपने एंड्रॉयड फोन की स्क्रीन को कास्ट करना है तो आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ पर ए पावर मिरर ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए आपको ऐप की जरूरत है एंड्रॉयड फोन में, आईफोन के लिए आपको किसी भी ऐप की जरूरत नहीं है। जब आप इस ऐप को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा इस ऐप का। आपको मिरर के ऊपर में टैप करना है, यहाँ पर थोड़ा सा सर्च करेगा आपका मी टीवी आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा, मिरर वीडियो ऐप और दूसरा ऑप्शन दिखेगा मिरर फोन स्क्रीन। मिरर फोन स्क्रीन के ऊपर आपको टैप करना है, स्टार्ट नाउ कर देना है। अब आप देख सकते हो कि मेरे फोन की स्क्रीन भी मिरर हो गई है, एंड्रॉयड फोन की स्क्रीन मेरी मिरर हो गई है मेरे मी टीवी में। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ भी कर रहा हूँ अपने फोन में तो आप देख सकते हो कि वो मेरे टीवी में दिख रहा है, किसी भी तरह का यहाँ पर आपको लैग नहीं देखने को मिलेगा। काफी स्मूथ ये ऐप काम कर रही है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको फोटोज वगैरह देखना हो
तो आप अपना कोई भी ऐप वगैरह ओपन कर लो, यहाँ पर आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। जो भी आपको करना है, आप जिस ऐप को या फिर जिस फोटो को ओपन करोगे वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। आप जूम वगैरह करोगे तो वो आपके फोन में जैसा दिखता है वैसे ही आपको अपनी टीवी में देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, अगर आपके पास में आईफोन या फिर एंड्रॉयड ऐसे दो डिवाइसेस हैं तो आपको इस ऐप को जरूर यूज करना चाहिए, जिससे आप एक ही ऐप की मदद से अपने फोन की स्क्रीन को कास्ट कर पाओ विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे जिन लोगों के पास में ऐसी दो डिवाइसेस हैं आईफोन और एंड्रॉयड है, वो लोग भी इसी ऐप की मदद से अपने फोन की स्क्रीन को कास्ट कर पाए। अगर आप चैनल पर होने और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।